हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग की क्लास में हम देखेंगे जो डाइस के क्वेश्चन, डाइस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसे पासा कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से यूपी ट्रिपल एससी आपको दो क्वेश्चन हमेशा पूछती है। पहला क्वेश्चन आपका क्लोज डाइस से होता है और दूसरा ओपन डाइस से होता है। ये दोनों क्वेश्चन किसी भी पेपर, आप जितने भी पेपर अभी इधर यूपी ट्रिपल एससी के हुए हैं, एग्रीकल्चर असिस्टेंट हुआ है, उसके बाद से मंडी परिषद हुआ है और उसके बाद से आपका युवा कल्याण अधिकारी हुआ है, इन सभी पेपरों में दो क्वेश्चन डाइस से हुए ही है। दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ओपन डाइस का है और एक क्वेश्चन क्लोज डाइस का है। तो डाइस को हम शुरू करते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उसके बाद से इस पर देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ओपन डाइस से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्लोज डाइस से क्वेश्चन कैसे पूछता है और क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी से लगाएंगे। तो कुछ ट्रिक होगा, उसे हम बताएंगे आपको कि जिससे आसानी से आप लगा सकते हो क्वेश्चन को। अब जो इससे डाइस से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आपके सामने, एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस, इसे हिंदी में कहते हैं पासा। इस पासा को आप लोग बहुत अच्छे से बचपन से ही फेमिलियर हैं इससे बारे में, क्योंकि सभी लोग अपने बचपन के काल में लूडो खेले होंगे। जब लूडो खेले होंगे तो लूडो की जो गिट्टी होती है उसी को पासा बोलते हैं, जिसे छह लाना, एक लाना, पांच जो आता है आपका जो फेंकते हो वही, उसी को डाइस कहते हैं, वही पासा होता है। जो कुछ इस टाइप से आपका क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जो आपको एग्जाम में दिखेगा कुछ इस टाइप का फिगर दिखेगा, मगर वो ओवरऑल ऐसे क्यूब होता है जिसमें आपके छह सरफेस होते हैं। आपका जो ये सरफेस है इसे हम कहते हैं टॉप, जस्ट नीचे वाला आपका कहलाता है बॉटम, ठीक। ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड का सरफेस हो गया। ये जो फ्रंट में है इसे कहते हैं फ्रंट और इसके जस्ट बैक वाला बैक कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में है तो ये क्यूबाइड, मगर आप सपोज करिए कि ये क्यूब है। अब क्यूब में इसमें छह सरफेस है, ए हो गया टॉप, ये बॉटम, ये फ्रंट, ये आपका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये फ्रंट, तो ये बैक। अब इसमें जो आपका कोई भी एक सरफेस है, मान लीजिए ये टॉप सरफेस है आपका, इस टॉप सरफेस के कितने पड़ोसी सतह होंगे, सिर्फ एक सतह छोड़ के टॉप का अपोजिट बॉटम होगा, बाकी आपके एक दो तीन चार सरफेस इसके क्या होंगे, पड़ोसी सतह होंगे। इसी सब का यूज करना है, पड़ोसी सतह का, और हमें आंसर क्वेश्चन का निकालना है। तो जो पड़ोसी सतह होगा, क्योंकि हमेशा इसमें अपोजिट पूछता है कि किसी भी साइड पे कोई अंक दे देगा, कोई चिन्ह दे देगा, कोई लेटर दे देगा और उसे पूछेगा आपसे कि इसके अपोजिट में क्या होगा। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि जो सरफेस, जो पड़ोसी सरफेस है, जो सतह है, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक। बस उसी कॉन्सेप्ट पे मुझे चलना है। तो अब देखिए, पहला ये कि इसमें जो होता है डाइस वो कितने प्रकार का होता है। ये तो क्वेश्चन का बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्लोज डाइस से पूछता है, एक ओपन डाइस। जो प्रकार का, जो प्रकार होता है इससे इसका, वो एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है आपका जनरल डाइस। ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, हिंदी में कहते हैं इसको मानक पासा और जनरल डाइस को कहते हैं साधारण पासा। मानक पासा वो होता है जो हम लोग लूडो में, आप बचपन में जो खेले हो वही मानक पासा होता है। मानक पासा उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अलावा उसमें और कोई वैल्यू सूट नहीं करती है। और आपका जो जनरल डाइस होता है, ये जनरल डाइस सिर्फ आपको इमेजिनरी वैल्यू होती है, इमेजिनरी चीज होती है, ये आपको फिजिकली कहीं नहीं मिलेगा, मगर स्टैंडर्ड डाइस आपको जो मार्केट में मिलती है वही होती है। तो पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सी डाइस हमारी जनरल है, ठीक। तो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी पासे में जो डाइस होगा आपका, कोई भी पासा आपका, हमें जो पासा दिखता है, आपको जो क्वेश्चन मिलता है, वो सिर्फ तीन सरफेस जो होगा आपको विजिबल होगा,
ठीक। अब इस तीनों सरफेस में जो हमारा पासा होगा किसी भी सतह पे, किसी भी दो सतहों का, किसी भी दो पड़ोसी सतहों का जो है ना योग, अंकों का योग साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा पासा होता था, जो लूडो होता था, उसमें क्या होता था, एक से लेकर छह तक का डॉट बना रहता था। यहां एक हो गया, यहां छह हो गया, यहां पांच हो गया, ठीक, इधर चार हो गया, इस टाइप के डॉटेड बने रहते थे। तो जो यही डॉट, मतलब हम नंबर में देखें कि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर एक होगा, ये चार होगा, ये दो होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो डाइस है, ये जो पासा है, वो स्टैंडर्ड पासा है। क्यों? क्योंकि इसे किसी भी दो सतहों, दो पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं हो रहा है। जैसे चार और दो क्या आ रहा है, छह, दो और एक इसका सम कितना आ रहा है, तीन, चार और एक इसका सम कितना आ रहा है, पांच। तो इसमें कहीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं हुआ तो हम इसे कहेंगे कि यह मानक पासा है, यह स्टैंडर्ड पासा है। तो अब इसमें पूछे आपसे कि एक के अपोजिट में क्या होगा, जब आपको ऐसा पासा मिल जाए, सिंगल पासा हो, और आपसे पूछे कि एक के अपोजिट में क्या होगा, तो आपका सीधे आंसर होगा कि इसमें एक के अपोजिट में छह होगा। क्योंकि मानक पासा जो होता है, इसमें यह होता है कि इसमें किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग साथ ना होके विपरीत सतहों का योग जो होता है, अंकों का योग जो होता है, वो साथ होता है। तो छह और एक सात। अगर ये पूछे दो के अपोजिट में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि योग जो होगा विपरीत सतहों का साथ हो जाए, तो पांच। चार के अपोजिट में क्या होगा, तो वो होगा तीन। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसीलिए स्टैंडर्ड इस पासा बोला जाता है आपका, कि एक के अपोजिट में हमेशा छह होगा, दो के अपोजिट में पांच होगा, और चार के अपोजिट में तीन होगा। इसीलिए जब बचपन में आप लोग लूडो खेलते थे, क्योंकि छह लाना कंपलसरी होता था आपको, तो क्या करते थे, एक को पहले ऐसे रख देते थे और ऐसे पलट देते थे, उससे क्या होता था, आपका छह आ जाता था। यह हरकत आप लोगों ने किया होगा बचपन में, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं हम स्टैंडर्डाइज का, हो गया कॉन्सेप्ट की स्टैंडर्डाइज कैसे पहचानेंगे, और स्टैंडर्डाइज का हम जनरल डाइस के बारे में। जनरल डाइस क्या होती है, जनरल डाइस को हम देखें तो जनरल डाइस आपको जितना भी पेपर में, एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक, ऐसा नहीं है कि वो सब जनरल डाइस ही होगा, उसमें आपको पहचानना होगा कौन सा स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन, कौन सा जनरल डाइस का क्वेश्चन है। मगर जब आपको कभी भी ऐसा डाइस पेपर में मिले जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हों, सिंबल लिखे हों, नंबर, और आपको कुछ ऐसे डिजिट और सिंबल दोनों लिखे हों, तो वो जो होगा हमेशा जनरल डाइस ही कहलाएगा। आपको वहां पहचानने की जरूरत होगी जहां पे डाइस पे नंबर आपको अंकित होगा, एक से लेके छह तक, उसमें आपको पहचानना होगा कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। जहां सिंबल होगा, अल्फाबेट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जनरल डाइस होगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी आपको अल्फाबेट्स टाइप का कोई भी डाइस पासा नहीं दिखता है। तो आपका इस जनरल डाइस की पहचान ये होगी, पहचान ये है जनरल डाइस की, आपको उसमें भी तीन सरफेस विजिबल होगा। पहचान नोट कर लीजिए आप लोग, पहचान ये है कि किसी भी साधारण पासा में किसी भी उसके दो निकटतम सतहों का योग साथ होगा, ये कंपलसरी है। पहचान यही है कि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का, चाहे निकटतम सतहों के अंकों का योग साथ होगा। जैसे अगर यहां एक है तो यहां छह होगा और यहां पे कुछ भी हो, ठीक। तो जैसे ये पासा कैसा पासा है, अगर हम इसे, ये पासा आपके साथ बना हुआ है, आप इसे देखोगे कि ये कैसा पासा है, तो आपको इसका सम देखोगे तो ये क्या होगा, सात, छह और चार, दस, चार एक, पांच। तो इसमें किसी भी, जो पहचान होती है, बोला जाता है कि किसी भी दो निकटतम सतहों के अंकों का योग अगर साथ हो गया तो वो पासा आपका क्या कहलाएगा, जनरल पासा कहलाएगा, ठीक। तो इसमें छह और एक साथ हो गया तो ये पूरा पासा क्या हो गया, आपका जनरल पासा हो गया। अब इसमें आपसे पूछे कि किसी भी जो आपको विजिबल सरफेस दिखाई दे रहा है उसी के अपोजिट पूछता है, तो आपसे पूछे कि भैया एक के अपोजिट में क्या होगा, तो क्या आंसर दोगे।
वहां तो पता था कि स्टैंडर्डाइज है, तो अपोजिट का सम जो होता है साथ होता है तो आसानी से निकाल लिए। अब यहां तो कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ ये पहचान होती कि विपरीत निकटतम सतहों का योग साथ होता है, विपरीत का नहीं, विपरीत का कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम यही लगाते हैं लॉजिक कि जो हमारे विजिबल सरफेस दिख रहे हैं वो अपोजिट नहीं होंगे, मतलब जो हमारे पड़ोसी हैं वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते, मतलब एक के अपोजिट में ना छह होगा ना चार होगा। और इतना हम जानते हैं कि डाइस में छह सरफेस होता है और छह तक नंबरिंग होती है, एक से छह तक, तो जब छह और चार नहीं होगा तो आपका कितना कौन सा नंबर बच गया, बच गया दो तीन और पांच, मतलब दो और तीन और पांच में से कोई भी एक हो सकता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा जनरल डाइस का बनता है, सेम इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि आपको एक सिंगल डाइस दे देगा कुछ इस टाइप से, फोर थ्री टू। पहला काम आपको पहचानना है कि डाइस कैसा है, तो आप देखोगे कि इन दो निकटतम सतहों का योग साथ हो गया तो ये जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस है तो आप क्या कहोगे, अगर इसमें पूछ दिया कि तीन के अपोजिट में क्या होगा, तो तीन के अपोजिट में अगर सिंगल डाइस दिया है तो उसमें सिर्फ आपको यह कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपका जो पड़ोसी सतह होगा वो कभी विपरीत नहीं होगा, मतलब चार और दो तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक। और इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट में या तो पांच हो सकता है, या तो छह हो सकता है, या तो एक हो सकता है, ठीक। तो आपके ऑप्शन में तीन तीन का ग्रुप बना के ऑप्शन सेट किया गया होगा, तो जिस ऑप्शन में आपका पांच स्लैश छह या एक होगा वही आंसर आपका इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं, आपका जनरल डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये पहचान हो गई और क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि अभी तक आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब भी आपके सामने मान लीजिए सिंगल डाइस दिया हो और अपोजिट सरफेस पूछा हो, जैसे चार दो एक, ठीक, एक क्वेश्चन है आपका कि डाइस आपको दिया गया और इसमें पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर कि भैया दो के अपोजिट में क्या होगा, इसका आंसर बताओ, ठीक। तो पहला काम कि डाइस पहचानो कि ये डाइस कैसा है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो पहचानेंगे कैसे, हम देखेंगे कि निकटतम सतहों का योग कितना हो रहा है, दो और एक तीन, दो और चार छह, चार और एक पांच, मतलब कहीं सात नहीं हुआ तो ये जनरल डाइस नहीं होगा, ये कौन सा डाइस होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, ये मानक पासा होगा। और मानक पासा में आपको पता है कि वैल्यू फिक्स है कि अपोजिट सतहों का योग सात होता है, तो यहां पे दो क्या होगा, पांच होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और आपका अगर सिंगल डाइस में कुछ क्वेश्चन इस टाइप का अगर दिया हो, अगर क्वेश्चन ये हो, अगर आपसे पूछे कि भैया इसमें तीन के अपोजिट में क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहला काम डाइस पहचानो, तो डाइस जैसे ही दो सतहों का योग यहां सात हो गया तो कह दोगे ये डाइस कैसा है, जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस है तो अब इसमें जानते हो कि जनरल डाइस है तो अगर सिर्फ एक ही सरफे आपको एक ही डाइस दिया, एक ही पासा दिया है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि तीन के अपोजिट में क्या होगा, तो हम एक पॉसिबल वैल्यू बता सकते हैं कि तीन के अपोजिट में ना तो पांच होगा ना तो दो होगा, तो बचा के आपके पास एक छह और चार, एक छह चार में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। अब तो ये हो गया जब सिंगल पासा आपके क्वेश्चन में दिया हो और अपोजिट निकालना हो। अब आते हैं जब आपको एक से ज्यादा पासा दिया हो, एक दो दिया हो, तीन दिया हो, ठीक, उस केस में कैसे करेंगे, दो पासे दिए हो या तीन पासे दिए हो, पासा जो होता है वो उसी पासे के कई पहलू होते हैं, कई बार थ्रो किया जाता है वही पहलू आपको दिया रहता है। तो क्वेश्चन आपका एक सिंगल डाइस पे तो मैंने बता दिया, अगला क्वेश्चन जो लगता है कुछ रूल है उसमें आपको दो डाइस एग्जैक्ट जनरल डाइस में अगर हमें एग्जैक्ट फिगर निकालना हो, जैसे तीन के अपोजिट में सिंगल डाइस में नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा एग्जैक्ट फिगर होगा, एग्जैक्ट निकालने के लिए हमें कम से कम दो डाइस चाहिए, ठीक। अब दो डाइस चाहिए तो उसमें अगर केस दो डाइस का होता है, चाहे तीन डाइस, चार डाइस, जितने भी डाइस हो उसमें हम हमेशा दो डाइस चूज करेंगे। तो उसमें अगर आपका अगर दो डाइस गिवन है, दो पासा अगर आपको दिया गया है, जैसे समझ लीजिए कि एक
मैं जनरल की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड की बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में चाहे दो दिया हो चाहे चार दिया हो हमेशा वही रूल फॉलो करेगा। आपका सपोज करिए ये 4 3 2, दूसरा जो डाइस है इसी में क्वेश्चन एक ही है, इसके दो पहलू दिए हुए हैं डाइस के, इसमें है आपका ठीक 6 1 4। अब आपसे बोला जाए कि भैया इस क्वेश्चन में आपको एक तरह से दो डाइस गिवन है आपको, अब इसे रूल समझ लो या क्वेश्चन समझ लो। रूल ये एक ये है कि आपको दो डाइस गिवन हो और दोनों डाइस में कोई एक सरफेस कॉमन मिल जाए, ठीक। आपको दो डाइस गिवन है, पहला डाइस ये और सेकेंड डाइस ये, इन दोनों डाइस में अगर आपका सिंगल सरफेस कॉमन मिल जाए तो हम क्या करते हैं, रूल ये क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। जो सरफेस दोनों डाइस में कॉमन होगा, कॉमन कौन सा है, 4 और 4, तो इस कॉमन सरफेस से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 2 3 लिख देंगे, 4 2 3, और यहां पे जो सरफेस कॉमन था 4 4, फिर 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो लिखेंगे 4 1 6, ठीक। अब ये आपको जो सेम है उसे अलग कर देते हैं, तो ये हमारा बताता है 2 के अपोजिट में 1 होगा, 3 के अपोजिट में 6 होगा, तो 1 से लेके 6 तक होती है नंबरिंग, तो बचा क्या आपका, 4 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। ये एक ऐसा रूल है डाइस का जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं कि एक बार चला दो तो सभी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो वही है कि अगर आपको किसी भी, चाहे इसमें 2 डाइस दिया हो चाहे 4 डाइस दिया हो चाहे 5 डाइस दिया हो क्वेश्चन में, आपको चूज वही करना है कि आप 2 डाइस को चूज करो जिसमें आपके दो सरफेस, मतलब किसी 2 डाइस में एक सिंगल सरफेस कॉमन मिल रहा हो। अगर आपको सिंगल सरफेस कॉमन मिल रहा है तो वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूमने को लिख लो, और लिखने के जस्ट जो नीचे आएंगे वही अपोजिट सरफेस होगा, इससे आपको जितने भी आपके सरफेस हैं उनके अपोजिट सरफेस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में 2 डाइस दिया है तब क्या करोगे, 2 डाइस दिया है और 2 सरफेस आपका उसमें कॉमन हो जाए तो कैसे आंसर निकालेंगे। देखिए, तो डाइस आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, डाइस आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया 2 5 4 5 4 3, ठीक। आपका ये डाइस हो गया, 2 डाइस दिया हुआ जिसमें आपके 2 सरफेस कॉमन है, ठीक। तो रूल नंबर टू हो जाएगा आपका, जब 2 सरफेस कॉमन हो, जब 2 सरफेस आपको किसी 2 डाइस में कॉमन हो, जैसे कौन कौन सा कॉमन है, 5 और 4, इन दोनों डाइस में कभी आपको 5 और 4 कॉमन मिल जाए तो कुछ नहीं, अगर आपसे पूछे कि भाई साहब 3 के अपोजिट में क्या होगा तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। 2 डाइस में अगर आपको 2 सरफेस कॉमन है तो जो आपका 3रा सरफेस बचता है वो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएंगे, मतलब 3 के अपोजिट में टन ये है, ABC ठीक। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, इसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें 2 डाइस दिए हैं, अल्फाबेट्स लिखे हैं, और पूछ रहा है भैया कि सी के अपोजिट में क्या होगा, तो सी के अपोजिट में क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको पहला रूल बताया था कि अगर किसी भी 2 डाइस में आपका जो क्वेश्चन दिया, किसी भी 2 पासा के किसी भी 2 पहलू में अगर कोई भी 1 सतह कॉमन मिल जाए तो आपका आसानी से आंसर निकल सकता है, ब्रह्मास्त्र रूल लगा दो जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इसमें जो 1 सरफेस कॉमन है कौन सा है, वो ए है, ए से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम लिखेंगे ए
सी बी और दूसरे में जब घूमेंगे तो ए जी डी, तो सी के अपोजिट में क्या हो जाएगा जी, तो वही पूछा है तो आंसर होगा आपका जी। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे नोट करते रहिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ये है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि छह के अपोजिट में, ठीक है, छह के अपोजिट में क्या होगा। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक, पूछ रहा है छह के अपोजिट में क्या होगा। तो हमें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, चाहे डाइस तीन पालू दिया हो चाहे चार दिया हो, हम कोई भी दो डाइस को देखेंगे, ठीक, या तो एक सरफेस कॉमन मिल गया तभी भी हमारे सबके अपोजिट मिल जाएंगे सतह। अगर आपको कहीं ऐसा दिखा कि हमसे जो पूछ रहा है कि सिर्फ छह के अपोजिट में क्या होगा, तो छह के अपोजिट में पूछ रहा है तो हम कहीं ये देख लें कि कहीं ऐसा दो डाइस मिल जाए जिसमें दो सरफेस कॉमन हो तो तीसरा अपने आप उसके अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे हम देखें सेकेंड और थर्ड को, इसमें क्या हुआ, एक और चार, एक और चार दोनों सतह कॉमन है दोनों डाइस में, तो छह के अपोजिट में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, छह के अपोजिट में टू हो जाएगा। अब और कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, आइए देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं डाइस के, कि आप एक के अपोजिट में बताइए कि क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, देखो दो डाइस दिया है मैंने, बताया था अगर आपको दो डाइस क्वेश्चन में गिवन है, आप पहला काम यह ढूंढो कि अगर उसमें एक सरफेस अपोजिट मिल जाता है तो हम सभी सरफेस के एक सरफेस आपका कॉमन मिल जाता है तो हम सभी के अपोजिट ढूंढ लेंगे। अगर नहीं ऐसा होता, अगर दो आपको सरफेस कॉमन मिलता है तो तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाएगा। तो उस ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ उसी का अपोजिट पूछेगा जो आपका कॉमन नहीं होगा, ठीक। तो इसमें ऐसा होगा, देखिए इसमें क्या है, आपका एक सरफेस कॉमन है, क्या है, कौन सा कॉमन है, एक। तो एक के हम से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो एक चार दो इसमें घूमेंगे तो एक छह पांच, ठीक। तो चार के अपोजिट में छह, दो के अपोजिट में पांच, तो एक के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो बचा होगा एक के अपोजिट में तीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अपोजिट में कौन सा सतह होगा, मतलब दो के अपोजिट में कौन सी सतह होगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सी सतह मुझे कॉमन दिख रही है। इसमें देखिए छह दो और तीन, इसमें छह पांच और एक, इसमें मुझे एक सरफेस कॉमन दिख गई, इन दोनों में देखे तो कौन सी दिखी, छह। तो बस वही रूल लगा देंगे, छह से क्लॉकवाइज चलेंगे तो छह दो तीन, इसमें छह से क्लॉकवाइज चलेंगे तो छह पांच एक, तो दो के अपोजिट में क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, तो हमारा पांच क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन कुछ देखते हैं, कुछ सिंबल के क्वेश्चन है, बनाते चलिए क्वेश्चन। चार डाइस दिए हैं, उसमें क्रॉस है, सर्किल है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन मार्क, सर्किल, ट्रायंगल, लास्ट ये हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन में आपसे किसी भी फिगर का अपोजिट पूछेगा कि उसके अपोजिट में क्या होगा। टोटल आपको चार फिगर दिए हुए हैं और इसमें किसी भी सरफेस के अपोजिट आपसे पूछ सकता है। सपोज करिए आपसे पूछ रहा है कि क्रॉस के अपोजिट में क्या होगा, ठीक, तो हम ऐसा ढूंढेंगे जिसमें हमें कोई ऐसा दो डाइस ढूंढेंगे जिसमें हमें एक सरफेस कॉमन मिल जाए। पहला हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम जो भी डाइस हमारे सामने आए, जो भी क्वेश्चन आए, उसमें हम ऐसे दो डाइस को ढूंढें जिसमें हमारा सिर्फ दो सरफेस, मतलब एक सतह कॉमन मिल जाए।
क्योंकि एक सतह कॉमन मिल जाएगा तो हमें जितने भी उसमें होंगे सबका अपोजिट सरफेस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टार क्रॉस है, यहाँ ट्रायंगल है और यहाँ पे ये सिंबल है। तो इसमें हमें दो चीज कॉमन मिल रही है, तो यहाँ तो हम सेकेंड रूल लगा देंगे, क्योंकि हमें देखिए दो चीज कॉमन मिल रही है, एक तो ये कॉमन मिल गया सरफेस इसमें और इसमें थर्ड और फोर्थ में, और एक ये सरफेस कॉमन मिल गया, तो हम बोल देंगे कि क्रॉस के अपोजिट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अगर वही आपसे पूछता सर्किल के अपोजिट में क्या होगा, तो सर्किल के अपोजिट में ढूंढने के लिए हम देखेंगे यहां पे भी हमें दो चीजें कॉमन मिल रही हैं, एक क्या मिल रहा है ये और ये, तो ये इसके अपोजिट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, वो यहीं से मिल गया। अब सर्किल के अपोजिट में बताना है, तो सर्किल के अपोजिट में देखने के लिए अभी ये दोनों बाकी हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, इसमें कौन सा सरफेस कॉमन मिल रहा है, ये सरफेस कॉमन मिल रहा है और ये सरफेस कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम सेकेंड और थर्ड को लें तो इस वाले में ये सरफेस कॉमन मिल गया हूबहू और ये सरफेस कॉमन मिल गया। ठीक है, ये अपोजिट नहीं है, ये सरफेस कॉमन हो गए हैं, तो सर्किल के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेकेंड वाले रूल से ही आपका क्वेश्चन हो रहा है। तो इसमें जो भी आपको पूछ दे कि इसके अपोजिट में क्या होगा, तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पूरा क्लोज डाइस से रिलेटेड हो गया। क्लोज डाइस से क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे, नंबर आएंगे, अल्फाबेट्स आएंगे, सिंबल आएंगे, बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि अगर आपके डाइस में कोई भी जितना भी आपके फिगर दिया डाइस में, उसमें हम दो डाइस को पकड़े जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन होता हो, वहां से क्लॉकवाइज वाला रूल लगा दे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम आपको आते हैं कि जो ओपन डाइस के बारे में, ओपन डाइस से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओपन डाइस में कुछ नहीं होता, जो आपका ये डाइस होता है छह सरफेस वाला, इसी को ओपन कर दिया जाता है पूरी तरह से। अब इसको जिस तरह से ओपन किया जाए, कई फिगर बन सकते हैं इसके, ठीक, जैसे ये मैंने एक आपके सामने फिगर बनाया है, छह सरफेस हैं। अब इस छह सरफेस में मैंने नंबरिंग कर दी एक से लेके छह तक, ये पूरा आपको डाइस जो था अभी तक जो क्लोज था उसे खोल दिया, छह सरफेस इसके आपको दिख रहे हैं। अगर इसमें आपको जो क्वेश्चन बनता है, इसमें ये बनता है कि आपको ये फिगर ओपन वाला डाइस दे दिया रहेगा और ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि कौन सा डाइस बन सकता है इस फिगर को क्लोज करने में और कौन सा नहीं बन सकता है, दोनों पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है कि इस फिगर को अगर क्लोज करें तो कौन सा पासा बन सकता है। ठीक, चार ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो आपका बनेगा। और कभी जब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नहीं बन सकता है, तो उसमें ऑप्शन तीन ऐसे होंगे जो बनेगा और एक ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। जैसे इसी को देख लेते हैं, मैं ऑप्शन सेट करता हूं, पहला ऑप्शन ए, इसे क्लोज करने पे एक दो तीन, दूसरा ऑप्शन बी एक चार पांच, ऑप्शन सी ऑप्शन डी चार छह एक। सपोज करिए ये क्वेश्चन है, ओपन डाइस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है अगर इसे क्लोज किया जाए तो इसमें से कौन सा ऐसा पासा होगा जो बनेगा इसे क्लोज करने पे। तो उसे करने के लिए एक बात याद रखिए, जो भी आपका ओपन डाइस होगा उसमें, जैसे आपका अगर इसे हम पहला वाला सरफेस मानते हैं, तो इसका अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला होगा। जैसे ये है, इससे जस्ट एक बॉक्स स्किप कर देंगे तो ये ठीक, जैसे इसमें एक के अपोजिट में तीन होगा, एक बॉक्स स्किप हो गया, ऐसे इधर करेंगे चार के अपोजिट में छह होगा, तो ये जो बचा है दो के अपोजिट में पांच होगा। ठीक, तो ये अपोजिट वाले सरफेस हो गए। तो जैसे हमने पहले लेक्चर शुरू होने से पहले क्लोज में बताया था कि जो अपोजिट होगा, ठीक है, जो अपोजिट होंगे
वो कभी निकटतम नहीं हो सकते हैं, ठीक, और जो निकटतम होंगे वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो वह इसी से हम आंसर करेंगे कि जैसे इसमें है एक के अपोजिट में तीन है तो ये कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन ए, इसमें क्या है कि यहां पे एक है और यहां पे तीन है, मतलब इसका निकटतम सतह पे है, तो निकटतम सतह पे है, पड़ोसी है इसका, तो ये आपका डाइस कभी भी नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि यहां पे विपरीत होना चाहिए, एक के विपरीत में तीन होना चाहिए, मतलब यहां पे बॉटम पे होना चाहिए, तो ये डाइस कभी भी इसे क्लोज करने पे नहीं बनेगा। इसमें आते हैं एक चार और पांच पे, ठीक है, इसमें देखिए एक के अपोजिट में तीन होगा वो कहीं नहीं दिख रहा हमें, चार के अपोजिट पे छह होगा कहीं भी पड़ोसी सतहों पे नहीं दिख रहा है, और पांच के अपोजिट पे दो होगा वो कहीं पड़ोसी सतहों पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी में जो डाइस है ये इसे फोल्ड करेंगे तो बन जाएगा। अब अगले कुछ ऑप्शन पे आते हैं, सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें देखिए सी वाले ऑप्शन में चार पांच और छह दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चार के अपोजिट में छह है और यहाँ पे उसी को पड़ोसी बना दिया है, तो इसे फोल्ड करने पे ये डाइस नहीं बन सकती, ठीक। नेक्स्ट आपका चार एक और छह, इसमें देखिए चार एक छह फिर से चार के अपोजिट में छह होगा, यहाँ पे पड़ोसी बना दिया तो ये भी डाइस नहीं बन सकती। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा था कि इस डाइस को फोल्ड करने पे कौन सी डाइस बन सकती है, तो सिर्फ ऑप्शन आपका बी होगा, वो डाइस बन सकती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें आपका अल्फाबेट से ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अभी तक हम नंबर में देख लिए, अब ए बी सी डी में देख लेते हैं, सिंबल से आ जाएगा, ठीक, आपका नंबर अल्फा न्यूमेरिक आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, आपको बस वही रूल याद रखना है कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सा अपोजिट होगा कौन सा नहीं। तो इसमें पता है ए के अपोजिट में सी होगा, डी के अपोजिट में एफ होगा, और बी के अपोजिट में हमेशा एक बॉक्स स्किप कर देना है आपको, जो भी फिगर बने बी के अपोजिट में ई होगा। अब इसमें ऑप्शन में बताता हूं और आपको बताना है कि कौन सा डाइस इसमें जो है नहीं बन सकता। अभी तक पहला क्वेश्चन था कि कौन सा डाइस बन सकता है, और इसमें आपको बताना है कौन सा डाइस नहीं बन सकता, ठीक। तो डी ई ए ऑप्शन बी है आपका, ए बी डी ऑप्शन सी है, सी बी एफ ऑप्शन डी है, ए बी ई। आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था बताया था आपको, उसमें ये था कि कौन सा डाइस बन सकता है। इसमें क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी डाइस इसे फोल्ड करने के बाद नहीं बनेगी। तो पहला चेक करते हैं ऑप्शन से, डी ई ए, वही कि अगर जो अपोजिट है वो पड़ोसी नहीं हो सकता, तो इसमें देखिए डी के अपोजिट में एफ होगा, ठीक है, और ई के अपोजिट में बी होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ए के अपोजिट में सी होगा, तो ये डाइस तो बन सकती है। तो हमें यह नहीं बताना है कि कौन सा बन सकती है, हमें यह बताना है कि कौन सा नहीं बन सकती है। ए बी डी वाले देखते हैं, ए के अपोजिट में सी होगा कहीं नहीं दिख रहा है, बी के अपोजिट में ई होगा कहीं नहीं दिख रहा है, डी के अपोजिट में एफ होगा कहीं नहीं, मतलब ये डाइस भी बन सकती है। इसमें देखते हैं सी बी एफ में, तो सी के अपोजिट में ए होगा कहीं नहीं दिख रहा है, बी के अपोजिट में ई कहीं नहीं दिख रहा है, और एफ के अपोजिट में डी कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी बन सकता है। मतलब हमारे ये तीनों डाइस इसको फोल्ड करने पे बन सकता है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं डी, इसमें देखिए ए बी और ई आ रहा है, मतलब बी के अपोजिट में ई होना चाहिए, और यहाँ पे बी का पड़ोसी ई बन गया है, इसका मतलब ये वाला डाइस फोल्ड करने पे नहीं बनेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि इस डाइस को, इस ओपन डाइस को फोल्ड करने पे कौन सा नहीं बन सकता, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ओपन डाइस में पूछता है। तो ये हो गया।